बदलते मौसम की बात करते हैं। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्को है। हजारा डिवीजन में इस वक्त मौसम अबर आलूद है और ठंडी हवाओं का राज है। सयाह भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बारे में अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे हमदुल्ला खान से। जी हमदुल्ला, बदलते मौसम की अगर बात कीजिए तो हजारा डिवीजन में जो है गहरे काले बादल अच्छाए हुए हैं, ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है, सर्दी की शिदत में भी जो है इजाफा हो गया है। अगर हजारा डिवीजन के अजला की बात कीजिए जिसमें मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर जो है वो शामिल है। इसके अलावा अगर सर्दी मकाम की बात कीजिए जिसमें नारायण, कगार, नथिया गली, डोंगा गली, अयूबिया, चांगला गली, खानशपुर, ठंडियानी जो है वो शामिल है, बर्फबारी का सिलसिला थमते ही बड़ी तादाद में शाह ने जो है सर्दी मकाम का जो है वो रुख कर लिया है, जिसपे शाह जो है बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े खुश जो है हमें नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्क में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर अब्दुल्लाह को मरीज से मिलाने वाले जो मेन शहर है उसकी बात की जाए तो इंतजामिया की जानब से जो है अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया गया। इसके अलावा अगर नारायण कगान के रोड्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है इंतजामिया की जानब से जो है मशीनें लगाकर रोड को क्लियर जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा देहात के रबता सड़कों की अगर बात की जाए तो अब्दुल्लाह को इसके अलावा जो गलियात की जो तमाम रबता सड़कें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिसे खोलने का जो अमल था वो डब्ल्यू जिले जामी के पास था। इसके अलावा दीगर अगर ठंडानी से पटन जाने वाला जो रास्ता था उस पर बर्फानी तोड़ा गिरने से जो है रोड मुकम्मल तौर पर जो है ब्लॉक हो गया था, जिसपे देहात की देहाती जो लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल का भी सामना है। आज 3 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है जिले इंतजामिया और जो CNW का अफसरान वो अपने दफातर तक महदूद है। अगर हजारा डिवीजन की देहाती के अलावा बात की जाए तो वहाँ पर भी ठंडी हवाओं का राज जो है बरकरार है। अगर हजारा डिवीजन के मैदानी इलाकों की बात की जाए सर्दी की शिदत के इजाफे के साथ ही जो है सुई गैस के प्रेशर में जो है इंतहाई कमी आ जाती है, जिससे घरेलू सार्फिन समेत जो है होटल मालिकान को काफी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। जी